नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं जेजे न्यूज और मैं हूँ आपके साथ पल्लवी। वक्तों चला है सुबह की कुछ खास खबरों का, चर्चा करते हैं पहली खबर के साथ। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से पहले एक मामले में उच्च न्यायालय ने उधम सिंह नगर जिले में लिव इन संबंध में दूसरे समुदाय के युवक के साथ रह रही एक युवती के मामले में उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा को युवती और उसके प्रेमी और उनके परिवार को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर के लिए नियत की गई है। जिस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक एक युवती के द्वारा उच्च न्यायालय में सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी, जिसमें उसने अपने गांव के दूसरे समुदाय के एक युवक से प्रेम के संबंध में होने की जानकारी दी थी और वो जल्द ही शादी करना चाहते हैं, ऐसी बात कही गई थी। लेकिन उसके परिवार के कुछ लोग इस शादी का विरोध कर रहे हैं, जिससे उसके और उसकी प्रेमी की जान को खतरा हो गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू दिल्ली के डीएसजी परिसर नैनीताल केंद्र के छात्र पवन कुमार ने यूजीसी नेट की परीक्षा में राजनीति विज्ञान विषय में 98.42 परसेंटाइल के साथ सफलता प्राप्त की है। जिस संबंध में बताया गया है कि पवन ने डीएसबी से स्नातक की पढ़ाई करने के साथ इसी साल इग्नू से राजनीतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की है। उधम सिंह नगर के बाजपुर के चालक को गजरौला में नशीला पदार्थ देकर कार लूटने वाले एक आरोपी को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक आरोपी फरार हो गया है और लूटी कार संग सामान भी बरामद किया गया है। बहरहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर भेज दिया गया है। इस संबंध में एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने खुलासा किया कि 13 अक्टूबर को हरलालपुर निवासी रोहताश ने तहरीर दी कि 7 अक्टूबर को दो अज्ञात युवक उनकी कार को बुक कराकर दिल्ली जा रहे थे। दोनों उसे मोगा ढाबा गजरौला से आगे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया गया। उसे करनाल हरियाणा में उतार कर कार मोबाइल और जेब में रखे पैसे लेकर वो फरार हो गए। होश आने पर करनाल थाने में पुलिस को तहरीर दी, जिसमें एक आरोपी मलकीर सिंह को दबोच लिया, लेकिन फरार कार चालक आरोपी विमल कुमार पुलिस को चकमा देकर फिर से फरार हो गया। रामनगर वन विभाग की ओर से कारडुंगी इको टूरिज्म जोन खुलने जा रहा है। बता दें, इस जोन को खोलने से पहले वन विभाग की ओर से नेचर गाइडों की भर्ती शुरू की जा रही है। इसके लिए विभाग की ओर से आवेदन मांगे गए हैं। जिस संबंध में रामनगर वन विभाग के फतेहपुर एसडीओ कामिनी आर्य ने बताया कि रामनगर वन विभाग की ओर से कॉर्बेट हेरिटेज सफारी कारडुंगी इको टूरिज्म जोन के लिए 36 नेचर गाइडों की भर्ती की जा रही है। आवेदन पत्र www.forest.uk.gov.in या pavalgarconservation.uk.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। बहरहाल आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर तक शाम 5 बजे तक की है। खुशियों का पर्व दीपावली का त्यौहार नजदीक है। दिवाली पर खाद्य पदार्थ को लेकर मिलावटखोर फिर से सक्रिय हो गए हैं, जिसको देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसके चलते उपयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग कुमाऊं मंडल अनुज कुमार थपलियाल और जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह के नेतृत्व में शहर के कई मावा कारोबारी और मिठाई की दुकानों पर छापेमारी कर सैंपलिंग की कार्रवाई की गई और खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि शहर के 3 मावा आड़तियों और 2 मिठाई की दुकानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है, जहां जांच के नमूनों को राज्य प्रयोगशाला में भेजा गया है। नशे की लत के चलते कर्ज से दबे हुए एक व्यक्ति ने फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जिस संबंध में कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा ग्राम भूड़पुर में पंखे में लटक कर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर रस्सी के सहारे पंखे से लटके व्यक्ति को उतारा गया। मृतक के विषय में जानकारी कर मिलने पर पता चला कि मृतक का नाम मनदीप सिंह है, जो राजस्थान का रहने वाला है और हाल में देहरादून में रहता था। बहरहाल उसकी उम्र 32 साल बताई गई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जेजे न्यूज। धन्यवाद।